हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन पत्ती के बारे में कि तीन पत्ती में किस तरीके से फ्रॉड होता है। मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आए हैं इसके बारे में भी कि आप ये बताओ तीन पत्ती में किस तरीके से फ्रॉड होता है। काफी लोगों के पैसे लगे हैं तीन पत्ती के अंदर भी, और इसी तरीके के काफी सारे गेम्स है उसके अंदर भी। आपको पता होगा इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ गेम्स को तो लीगल कर रखा है, लेकिन कुछ गेम्स ऐसे हैं जिनको लीगल नहीं कर रखा है। उसके बाद भी वो गेम आपको उन्हीं एप्लीकेशनों में देखने को मिल जाते हैं, लीगल के नाम से आती है। जैसे आप बात करें हम रमी की, तो रमी के नाम से आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिलेगी। रमी के आगे एक नया वर्ड ऐड कर देते हैं, जैसे रमी फ्री, रमी गेम, इस तरीके से काफी सारे रमी प्ले, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाती है रमी की। एडवर्टाइजमेंट मिल जाते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू आपके सामने आ जाती है, या फेसबुक चलाते हो तो वहाँ आ जाती है, यूट्यूब पे आ जाती है, इंस्टाग्राम पे आ जाती है। इस तरीके से काफी सारी एप्लीकेशन आपके सामने आती है। उन एप्लीकेशन के अंदर जब आप देखते हो तो वहाँ पे एक और गेम आपको नजर आता है तीन पत्ती। तीन पत्ती भी दो तरीके से, T20 तीन पत्ती और एक होता है नॉर्मल तीन पत्ती। दोस्तों, ये दोनों ही गेम जो है सबसे ज्यादा खतरनाक फ्रॉड वाले गेम है, जहाँ पे आपके लाखों रुपए का नुकसान होने वाला है। अगर आप खेल चुके हो तो आपका नुकसान हो चुका होगा, और काफी सारे लोग इस बात से मेरी एग्री भी करते हैं। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों को तो पता होगा तीन पत्ती गेम होता क्या है और कैसे खेलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो उनको भी बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया दो तरीके के गेम है यहाँ पे तीन पत्ती में भी, एक T20 तीन पत्ती और दूसरा है नॉर्मल तीन पत्ती। पहले बात करते हैं T20 तीन पत्ती की। तो T20 तीन पत्ती में क्या होता है, यहाँ पे तीन चीजें दिखती है आपको। एक तो यहाँ पे दिखता है प्लेयर ए, प्लेयर बी, और बीच में होता है टाई का ऑप्शन। मतलब आपको दोनों में से किसी एक पर, एक के ऊपर पैसा लगाना है, एक के ऊपर दाव लगाना है, और वहां पे जो जीतेगा उसके हिसाब से आपको उसके जो भी आपको अमाउंट देना है, जैसे एक के दो दे रहे हैं या एक के एक, मतलब 100 रुपये लगा दो 100 रुपये आप दे रहे हैं, तो इस तरीके से गेम चलता है वो। तो वहां पे ए बी का ऑप्शन हो गया, तो T20 का ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे दोनों में से किसी एक को चुनना है। और होता क्या है इसके अंदर, वही कार्ड का गेम है जिसके अंदर कार्ड बंटते हैं। जो डीलर है या फिर जो कार्ड बांटने वाला है वो वहां पे तीन तीन पत्ते दोनों को डिवाइड करता है, और जिसके हाईएस्ट पत्ते होते हैं वो गेम जीत जाता है। ये तो हो गया T20 तीन पत्ती। अब बात करते हैं नॉर्मल तीन पत्ती की। तो नॉर्मल तीन पत्ती आप में से काफी सारे लोगों ने, प्ले स्टोर पे एक फ्री गेम चलता था पहले तीन पत्ती के नाम से, अभी भी चलता है, काफी सारे लोग फ्री वाला गेम खेलते होंगे इंजॉयमेंट के लिए। तो वो गेम तो बिल्कुल सही है, वो इंजॉयमेंट के लिए खेलते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप रियल कैश के लिए किसी गूगल्स पे जाके सर्च करके खेलते हो, या फिर ये रमी की जितनी फ्रॉड एप्लीकेशन आ चुकी है उनके अंदर खेलते हो, तो वहां पे आपके पैसे लगने के चांसेस तो साथ में है ही, आपका करियर भी खराब हो सकता है। आपको जो बुरी लत लगने वाली है जिसकी वजह से आपका करियर खराब हो सकता है, आपको आप जिस भी चीज पे जाना चाहते हैं, आपका जो भी गोल होगा उससे आप टूट सकते हो, उसका आपका फोकस खत्म हो सकता है। तो ये जो गेम है दूसरा वाला जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, तीन पत्ती, जो कि रमी गेम्स के अंदर ही मिलता है, उस गेम के अंदर क्या होता है नॉर्मल तीन पत्ती में, वहां पे आपको वेरिएशन मिलते हैं। जैसे वेरिएशन वाला गेम हो गया नॉर्मल, एक जैसे 6 जने खेल रहे हैं या 5 जने खेल रहे हैं, जितने भी जने खेल रहे होते हैं वो अपने अपने पैसे लगाए जाते हैं, जो एंड तक बचता है वो आपस में गेम खेलते रहते हैं, सिर्फ इसी बेस पे कि किसके पास पत्ते हाइयर है। फिर एक जना शो करता है तो दूसरे को वहां पे शो करना पड़ता है, और वहां पे जब पत्ते खुलते हैं दो जनों के आमने सामने, तो वहां पे जो जीतता है वो सारा पैसा ले जाता है। और इसके अंदर जो होता है वो होता है जबरदस्त लेवल का फ्रॉड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप देखते हो इन गेम्स को, तो यहाँ पे आपको दिखता है कि 6 प्लेयर और 5 प्लेयर खेल रहे हैं, या फिर 4 प्लेयर खेल रहे हैं, जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं उनमें से कोई ना कोई प्लेयर होता है जो कि कंपनी का डमी प्लेयर होता है या कंपनी का बोट प्लेयर होता है। अधिकतर चांस में ऐसा होता है कि वही गेम जीत रहा होता है, या फिर वो आपको इस तरीके से फंसा देता है कि आपके जो भी पैसे हैं धीरे धीरे करके आप वहाँ पे खत्म कर दोगे, या फिर आपको वहां पे अगर आप कंटिन्यू खेलते हो तो वहां पे वो जो कमीशन लेते हैं उसके अंदर भी आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। वो कमीशन कमीशन करके ही आपके सारे रुपए लूट लेते हैं। और पिछले 1-2 साल से जो लोग खेल रहे हैं उनको पता होगा कि उनके कितने रुपए लगे हैं, उनका कितना कमीशन में, वो गेम प्ले करते हुए कितना पैसा लगा है, ये सब चीजें उनको पता ही है। इसलिए ये इसका जो फ्रॉड है वो काफी बड़े लेवल पे चल रहा है, और ये सारे गेम लीगल नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी रमी के नाम पे इनको लेके आते हैं। रमी एप्लीकेशन फ्रंट से तो रमी एप्लीकेशन दिखती है, लेकिन अंदर जाके जो फ्रॉड वाली एप्लीकेशन चल रही है, चाहे पोकर हो, चाहे तीन पत्ती हो, या फिर आप देख सकते हो अंदर बाहर हो गया, या फिर ड्रैगन वर्सेस टाइगर हो गया, ये सारे ही गेम फ्रॉड वाले गेम है। इसमें कहीं पर भी स्किल का काम नहीं आता है। इवन मेरा तो ऐसा भी मानना है कि रमी के अंदर भी कहीं पर भी स्किल का काम नहीं आने वाला है, ना ही स्किल यूज में आने वाली है। वहां पे भी कंपनी के अकॉर्डिंग ही आप जीतोगे हारोगे, तो कंपनी पूरी तरीके से आपका फ्रॉड कर सकती है। तो दोस्तों, ये था पूरा तीन पत्ती के बारे में वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको तीन पत्ती के फ्रॉड के बारे में बताया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जिस जिसको समझ में आ चुका है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि उनको समझ में आ चुका है, वो अब नहीं खेलेंगे। अगर आप अब भी खेलोगे तो आपके पैसे लगेंगे, इसका जिम्मेदार आप खुद होगे, क्योंकि कंपनियां साफ कहती है कि इसके जिम्मेदार वो लोग नहीं है। तो आप अगर पैसे लग भी जाते हैं तो आप कंपनी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो, इसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा।
और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।